अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। मुजम्मिल सौरवेदी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सौरवेदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? आपका शुक्र है सर। आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, आईनी तरमीम को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आईनी तरमीम अब कब पेश होगी, और कहा जा रहा है कि ये कल पेश होगी, मंजूर कर ली जाएगी, और उसके बाद जो खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें इस पर इत्तफाक भी कर लिया गया है जो मुसव्वदा है, तो अंदर की बात क्या है? देखिए, परस कल रात तो मौलाना एक दफा फिसल गए थे, फिर सारी रात उनको मनाने पर लगी और फजर तक उनको मनाया जाता रहा। हमें तो यही नजर आया कि बिलावल और शहबाज शरीफ उनको मनाने के लिए गए हैं, लेकिन उनको मनाने में एस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर फाइनल शो डाउन किया और उनको बताया कि अगर वो नहीं मानेंगे और अगर वो इस तरमीम के हक में राय नहीं देंगे तो उनके नीचे से उनके सारे अरकान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और उन वो अकेले रह जाएंगे और सारे अरकान जो हैं उनके वो तरमीम को वोट डाल देंगे। वो गलत नहीं पीट रहे थे कि मेरे अरकान आपने छीन लिए हैं। उनकी तमाम पार्लिमानी पार्टी सेनेट की इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी और वो मौलाना की इस जो सियासत थे इससे मुत्तफिक नहीं थे, तो मौलाना के नीचे से सारी जमीन खींची जा चुकी थी और इसीलिए मौलाना तनहा रह चुके थे। और अब मौलाना के पास कोई रास्ता नहीं था इस तरमीम की हिमायत करने के अलावा, वरना मौलाना का इस तरमीम की हिमायत का कोई मूड नहीं था। मौलाना सिर्फ खेलना चाहते थे और वो 25 तारीख गुजारना चाहते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने फाइनली मौलाना के नीचे से जमीन खींची और उनके तमाम MNAs और MP सेनेटर्स तोड़ लिए और उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। वो जो JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आई हैं ये गलत नहीं थी, जिसके बाद मौलाना ने हालात को भांपते हुए आज इस तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया और बादल नाखास्ता हिमायत की। हालांकि फिर बिलावल उनकी तरफ आज भी गए उनको मिलने, लेकिन उनकी और बिलावल की कोई जॉइंट टॉक नहीं हुई, बल्कि बिलावल उन्हें ये बताने गए कि अगर आपने नहीं भी हिमायत करनी तो हम ये तरमीम लेके आ रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो आपके पास बस आखिरी 1 घंटा है। लिहाजा फिर वो बिलावल के जाने के 1 घंटे बाद ही पार्लिमानी कमेटी ने इसको मंजूर कर लिया, क्योंकि बिलावल जो है उनको डेडलाइन दे के आए कि अब हम आपको 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहते, अगर आपने मंजूर करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें, फिर हम आपके बगैर चलेंगे। तो जब मौलाना को ये नजर आया कि हुकूमत ने उनके बगैर आगे जाने का फैसला कर लिया है तो मौलाना ने इसकी हिमायत कर दी, वरना मौलाना अभी 2-3 दिन मामला को और खींचना चाहते थे। क्योंकि सुबह तो मौलाना ने बयान दिया कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है इसके अंदर बारों के और सुप्रीम कोर्ट बार के और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों को शामिल किया जाए और इस कमेटी को वसी किया जाए। सुबह तो मौलाना का मूड नहीं था कि इस पार्लिमानी कमेटी से आज तरमीम का मुसवदा मंजूर हो जाए, लेकिन मौलाना को जब शाम को ये अंदाजा हुआ, सारी रात उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बात की और फिर आखिरी जब फाइनल वार्निंग उनको दी गई कि ना अब आपके पास टाइम नहीं है, हम आगे मूव करने लगे हैं, तो मौलाना ने फिर इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। सर यहाँ पर और आपसे, जी, आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, मौलाना साहब की जानिब से तो बदमाशी का जिक्र किया गया, उनकी जानिब से जो कहा गया कि हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं फिर हम भी बदमाशी करेंगे, उनकी जानिब से एक सेनेटर का नाम लेकर कहा गया कि उनको अगवा कर लिया गया है, तो क्या वो सेनेटर बाजियाब हो चुके हैं? कोई अगवा नहीं थे, वो मौलाना के राबते में नहीं थे, वो मौलाना का फोन नहीं सुन रहे थे, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो समझ रहे थे कि मौलाना जो है वो ठीक सियासत नहीं कर रहे हैं और मौलाना को मैसेज था कि आपके बंदे टूटना शुरू हो गए हैं। तो मौलाना को जब ये नजर आया कि मेरी पार्टी मेरे से टूट रही है और ये जो खेल मैं PTI के साथ खेल रहा हूँ ये मेरी पार्टी को पसंद नहीं है। देखिए, मौलाना की पार्टी ने तो PTI के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ना है, उनको PTI के साथ चलना कैसे काबिले कबूल हो सकता है? उन्होंने तो अपने हलकों में PTI के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है, वो मौलाना के इसके कैसे साथ हो सकते हैं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना को आज फाइनल वार्निंग के बाद उन्होंने इसकी हिमायत की है, बादले नाखास्ता, कोई दिल से हिमायत नहीं की। वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे इस, और वो ये प्लान मौलाना और PTI दोनों का था मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के बाद तरमीम का, जो आज नाकाम हो गया है और हुकूमत आगे चल पड़ी है। अब मुझे ये लगता है कि कल जो कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास हैं
उनमें इस तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा और कल ही मंजूर करा लिया जाएगा। ये एक दिन आगे 20 को भी नहीं लेके जाएंगे, बल्कि 20 को सदर इस पर दस्तखत कर देंगे और 20 को वो पार्लियामानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस नॉमिनेट करना है वो 20 या 21 को नॉमिनेट हो जाएगी, और 21 या 22 को उसका पहला 22 अप्रैल को उसका 22 अक्टूबर को उसका पहला इजलास हो जाएगा। आप देखेंगे कल 19 को पास होगी, 20 को सदर इस पर दस्तखत करके इसको नोटिफाई करेंगे, 21 को जो इसकी पार्लियामानी कमेटी बननी है जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है वो नॉमिनेट होगी, और 22 को उसका पहला इजलास होगा और वो पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस तैनात करेगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब ये कल से आगे नहीं जाएगी और 22 या 23 को नए चीफ जस्टिस का नाम हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके अलावा इस तरमीम के अंदर जो है वो दोहरी शहरियत के हवाले से है, और ये जो बाबर सत्तार साहब ग्रीन कार्ड लेकर जज बने हुए थे उस हवाले से तरमीम है कि जो दोहरी शहरियत वाले हैं वो जज नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है या बाबर सत्तार साहब को ग्रीन कार्ड छोड़ना पड़ेगा या जज ही छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सी ऐसी चीजें, जहां तक आईनी बेंच, आईनी डिवीजन या आईनी अदालत की बात है, देखिए अगर आईनी बेंच का सरबराह भी पार्लियामानी कमेटी ने लगाना है और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आईनी अदालत का या आईनी बेंच का सरबराह नहीं लगा सकते, तो फिर वो चाहे अदालत है चाहे बेंच है चाहे डिवीजन है वो खुद मुख्तार है, वो अलग है और वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है। और अगर वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है और उसका इंडिपेंडेंट सरबराह पार्लियामानी कमेटी लगाएगी तो फिर ये फजूल बहस है कि ये बेंच है डिवीजन है या अदालत है। अगर वो खुद मुख्तार है तो वो अदालत भी है बेंच भी है डिवीजन भी है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं है, उसका जो सरबराह है वो इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड है और इंडिपेंडेंटली चलेगा। बाकी जहां तक जजेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें निकालने की बात है तो ये जो जज 11 बजे घर चले जाते हैं और काम कोई नहीं करते, सारे साल में दो फैसले नहीं करते, उनके निकालने के भी रास्ते हैं। इस आईनी तरमीम के बाद मुझे बहुत सारे जजों के इस्तीफे भी नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है बहुत सारे जज घर भी चले जाएंगे इस आईनी तरमीम के बाद। जो सुप्रीम कोर्ट में जो महाजराई है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सर, ये जो रिटायर्ड जजेस की तैनाती है इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? डू यू थिंक कि काजी वाक जो काजी साहब हैं उनको दोबारा अपॉइंट कर लिया जाएगा इस आईनी के लिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये सीरीज ऑफ तरामीम है, पहली तरमीम के नतीजे में अगर काई साहब का रास्ता नहीं भी बन रहा तो दूसरी तरमीम के नतीजे में काई साहब का रास्ता बन जाएगा। पहली तरमीम करनी मुश्किल थी, इस तरमीम के बाद जो है वो सियासी रास्ते हुक्मरान इतिहाद के लिए और तरामीम के लिए खुल जाएंगे और फिर एक तरमीम के बाद और तरामीम हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि काजी फायजीशा के लिए रास्ता बन जाएगा। अगर कल वाली तरमीम में नहीं बनेगा तो जो अगली तरमीम है उसके नतीजे में बन जाएगा, उनको उनके रास्ते का कोई ऐसा मसला नहीं है। और सर, जिस तरह हमने बहुत पहले अपने शो में डिस्कस किया था, आपने कहा था कि मामला जो असल में है वो पीटीआई का भी नहीं, किसी जमात का भी नहीं, दो एस्टेब्लिशमेंट्स का है कि दो एस्टेब्लिशमेंट्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने है और अपनी बका की जंग लड़ रही है। अब ये जो आईनी तरमीम होगी इसके बाद जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं? तो क्या फिर अब आगे वाले मंजरनामे पे इसका क्या इफेक्ट होगा? लेकिन मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्लियामेंट की मदद से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे रही है। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट तन्हा रह गई है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ऐसी पोजीशन में नहीं है कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को बचा सके। पार्लियामेंट के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को अकेले नहीं शिकस्त दे सकती थी, उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट की मदद चाहिए थी। अब पार्लियामेंट की मदद से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा रही है और मुझे लगता है कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की जो शिकस्त है वो कई सालों तक कई दहाइयों तक अब पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट बनने की पोजीशन में नहीं होगी। और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का जो वजूद हम देख रहे थे मजबूत चीफ जस्टिस के जरिए, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, मंसूर अली शाह या इसके अलावा और जो उमर अताब बंदयाल, ये तमाम दौर खत्म हो गया। और जो ये कहा जाता था कि चीफ जस्टिस बहुत ताकतवर होता है और चीफ जस्टिस जो है वो हालात को जो है वो आज इस तरफ चाहे मोड़ दे, वो बात खत्म हो जाएगी। मुझे अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को पार्लियामेंट की मदद से शिकस्त देती हुई नजर आती।
सर आगे बढ़ेंगे, एक बात करेंगे दोबारा से मखसूस नशस्तों को लेकर। तो 8 जजेस की जानिब से जो एक बार फिर से वजाहत जारी की गई है और कहा गया है कि जो मर्जी यानी तरमीम हो जाए, जो हमारा फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन को हर हाल में अमल दरामद करना होगा और मखसूस नशस्तें अलॉट करनी होंगी। तो इस मुतलिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वजाहत जारी की गई है, ये दरअसल तरमीम को रोकने के लिए जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन के इजलास जारी थे, इनको ये था कि शायद हुकूमत जो है मखसूस नशस्तें नोटिफाई करने लगी है इलेक्शन कमीशन, और उनकी मदद से तरमीम होने लगी है। और ये आइडिया था शायद पीटीआई का, जिसने जजों को ये बात समझाई कि जी वोट पूरे नहीं है, अगर मखसूस नशस्तें नोटिफाई हुकूमत के हक में हो गई तो फिर तरमीम हो जाएगी, लिहाजा उनको रोका जाए। इस वजाहत की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसको एक सियासी वजाहत समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजों की जानिब से पर तरमीम को रोकने की आखिरी कोशिश थी, और उन्होंने तरमीम को रोकने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आखिरी मिसाइल दागा जो उनके पास था कि वो एक और वजाहत जारी कर देते, उन्होंने जारी कर दी, जिसकी कानून आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तरमीम रोकने की एक कोशिश थी, अगर तरमीम नहीं रुकी तो ये दूसरी वजाहत जिना गुनाह बेलज्जत हो गया, मिस फायर हो गया, और जो इन 8 जजों की जानिब से जो आखिरी कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। क्योंकि अगर तरमीम के बाद भी जो नोटिफाई हो जाती हैं मखसूस नशस्तें, कल तरमीम हो जाए और उसके बाद मखसूस नशस्तें फिर नोटिफाई हो जाए, तो हुकूमत उसके बाद और तरमीम भी कर सकती है, लेकिन इस वजाहत को जारी करने का कोई फायदा ना होगा। मंसूर, देखें, इस वजाहत से दो तीन चीजें साबित हुई। एक तो हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत सारे दिनों से ये कह रहे थे कि जी मंसूर अली शाह के साथ बहुत बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और मंसूर अली शाह की और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत चल रही है, इसलिए मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला हो गया है। लेकिन मंसूर अली शाह ने आज ये वजाहत जारी करके ये बताया है कि उनके साथ कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं थी, उनके नाम पर लाल काटा पहले दिन से मौजूद था कि उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाना, और वो लाल काटा उनकी शदीद कोशिश के बावजूद नहीं हट सका, और उनको जब यकीन हो गया कि आप वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते, तो उन्होंने ये दूसरी वजाहत जारी की है। ये एक किस्म का मंसूर अली शाह का सरेंडर नोट भी आप देख सकते हैं कि बस उसको समझ आ गई कि मैं अब चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। और ये आखिरी हमला भी आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर कि उनको सीटें ना मिलें। लेकिन अगर कल तरमीम पास हो जाती है तो उसके बाद मंडे को मुझे लगता है ये नशस्तें भी वापस हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी नए चीफ जस्टिस के आते ही, और उसके साथ साथ जो ये सारे तूफान है ये थम जाएगा और शिकस्त हो जाएगी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को और इन 8 जजों को, और ये घर जाने की तैयारी में होंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।